अभी मैं आपको ये डिज़ाइन बुन करके बताऊंगी जो 20 रो का डिज़ाइन है, और इसे बनाने के लिए आपको फंदे रखने होंगे 10+3 के मल्टीपल में। और आप इस डिज़ाइन से बच्चों के स्वेटर, ब्लैंकेट या कार्डिगन या सिर्फ बॉर्डर में डाल सकते हैं। और शॉल और स्कार्फ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, क्योंकि ये दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। आप देख सकते हैं ये इसका राइट साइड है और ये इसका रॉन्ग साइड है, तो आप बोथ साइड यूज कर सकते हैं। तो अब हम रो 1 बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मेरे पास टोटल 23 स्टिचेस हैं, यानी मैं भी आपको 23 फंदों पे डिज़ाइन बुन करके बताऊंगी। तो रो 1 अब हम राइट साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत के पहले फंदे को बिना बुने हम उतारेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट फंदे से हमें रिपीट स्टार्ट करना होगा, और इस फंदे को हमें उल्टे बुनना होगा। उसके बाद हम ऊन पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और नेक्स्ट 2 फंदे को हमें इस तरह से घटा लेना होगा। हम सीधा बुनते हुए घटाएंगे। अगेन नेक्स्ट 2 फंदे को हमें नॉर्मल ही सीधा बनाना होगा। ऊन हम आगे की तरफ लेके आएंगे और एक फंदा अब हम सीधा बनाएंगे। अगेन हम ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और 2 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट 2 फंदे को हमें इस तरह से पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाना होगा। और फर्स्ट टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है, अब अगेन हम रिपीट स्टार्ट करेंगे, यानी शुरुआत के पहले फंदे को छोड़ करके हमें यहाँ से रिपीट स्टार्ट करना होगा। अगेन हम ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, और नेक्स्ट 2 फंदे को हमें इस तरह से सीधा बुनते हुए घटाना होगा। और नेक्स्ट 2 फंदे को नॉर्मली हम सीधे बुनेंगे, ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अगेन ऊन हम आगे की तरफ लेके आएंगे और अब हमें 2 फंदे सीधा बनाना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट 2 फंदे को हमें पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा। और सेकेंड टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है, अब हम रो 1 के एंड में आ चुके हैं। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बच गए हैं, तो एक फंदे को हम उल्टे बुनेंगे और नेक्स्ट फंदे को हमें सीधा बना लेना होगा। और रो 1 इसी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और रो 1 बुन लेने के बाद अब हम रॉन्ग साइड रो 2 में आ चुके हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रो है, क्योंकि हमें आगे रो 4, 6, 8 एंड 10 को रो 2 के जैसे ही सेम बुनना होगा। तो इसे हम ध्यान से देखेंगे, पहले फंदे को बिना बुने हम उतारेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट फंदे को हमें सीधा बनाना होगा। और यहीं से हम रिपीट भी स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद ऊन हम आगे की तरफ लेके आएंगे, और अब हमें 9 फंदे उल्टे बुनना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 फंदे उल्टे बुन लेने के बाद फर्स्ट टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है, अब अगेन हम रिपीट स्टार्ट करेंगे। शुरुआत के पहले फंदे को छोड़ करके हम यहाँ से रिपीट स्टार्ट करेंगे। ऊन हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, अगेन एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद 9 फंदे अब उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और उसके बाद अब हम रो 2 के एंड में आ चुके हैं, और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बच गए हैं, तो इसमें से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, और उसके बाद ऊन हम आगे की तरफ लेके आएंगे, और इस वाले फंदे को जो कि साइड स्टिचेस है यहाँ पे, तो इसे हमें उल्टे ही बुन लेना होगा। और रो 2 कंप्लीट हो चुका है। और अब हम राइट साइड रो 3rd में आ चुके हैं। रो 3rd में हम शुरुआत के पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से रिपीट स्टार्ट करेंगे। इस वाले फंदे को हमें उल्टे बुनना होगा, उसके बाद ऊन हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और 2 फंदे को हमें सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा। उसके बाद एक फंदा फिर हम सीधा बुनेंगे, ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे, और अब हमें 3 फंदे सीधे बनाना होगा। 1, 2 और 3। 3 फंदे सीधा बुन लेने के बाद अगेन ऊन हम आगे की तरफ लेके आएंगे, और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, और नेक्स्ट 2 फंदे को हमें इस तरह से पीछे की तरफ से घटा लेना होगा। और फर्स्ट टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है, अब अगेन हम रिपीट स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ से फिर से रिपीट करना होगा।
एक फंदा उल्टा बुनेंगे और नेक्स्ट दो फंदे को हमें सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा। उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और तीन फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन। अगेन ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और नेक्स्ट दो फंदे को हमें इस तरह से पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा। और अब हम रो थर्ड के एंड में आ चुके हैं, लास्ट में बचे हुए इस दो फंदे को एक फंदा हमें उल्टा बुनना होगा और नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे। और रो थर्ड इसी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और रो फोर को रो टू के जैसे बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो फाइव में आ चुके हैं और रो फाइव में हम शुरुआत के पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद हम यहाँ से रिपीट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट फंदे को हमें उल्टे बुनना होगा और उसके बाद हम ऊन पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इस दो फंदे को हमें सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा। उसके बाद हम ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और अब हमें पाँच फंदे सीधे बनाना होगा, एक दो तीन चार और पाँच। पांच फंदे सीधा बुन लेने के बाद अगेन हम ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और नेक्स्ट दो फंदे को हमें पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा। और अगेन हम अब शुरू से रिपीट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमें रिपीट स्टार्ट करना होगा। ऊन हम आगे की तरफ लेके आएंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट दो फंदे को इस तरह से सीधा बुनते हुए घटा लेंगे, ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और पांच फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार और पाँच। पांच फंदे सीधा बुन लेने के बाद अगेन ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और नेक्स्ट दो फंदे को हमें पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा। और अब हम रो फाइव के एंड में आ चुके हैं और लास्ट में बचे हुए दो फंदे में से हमें एक फंदा उल्टा बनाना होगा और नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे। और रो फाइव कंप्लीट हो चुका है और रो सिक्स को हमें रो टू के जैसे बुनते हुए रो सिक्स को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और रो सिक्स बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड रो सेवन में आ चुके हैं। रो सेवन की शुरुआत में पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और नेक्स्ट फंदे को हमें उल्टे बुनना होगा और यहीं से फिर हम रिपीट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ऊन पीछे की तरफ लेके जाएंगे और दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक और दो। उसके बाद हम ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और अब हमें दो फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और फिर नेक्स्ट दो फंदे को हमें आगे की तरफ से इस तरह से घटा लेना होगा। ऊन हम आगे की तरफ लेके आएंगे और अब हमें इस दो फंदे को सीधा बनाना होगा, एक और दो। और फर्स्ट टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है। अब अगेन हम रिपीट स्टार्ट करेंगे, शुरुआत के पहले फंदे को छोड़ करके हम यहाँ से अगेन रिपीट करेंगे। एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, उसके बाद ऊन पीछे की तरफ और दो फंदे अब हम सीधे बुनेंगे और दो। उसके बाद ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और इस दो फंदे को हमें पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा और नेक्स्ट फंदा फिर हम सीधा बनाएंगे और इस दो फंदे को हमें आगे की तरफ से घटा लेना होगा। उसके बाद हम ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और दो फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, एक और दो। और अब हम रो सेवन के एंड में आ चुके हैं। लास्ट में बचे हुए दो फंदे में से एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और रो सेवन कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से हमें रो एट को रो टू के जैसे बुनते हुए रो एट को भी कंप्लीट कर लेना होगा। और रो एट बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड रो नाइन में आ चुके हैं। रो नाइन में अगेन हम शुरुआत के पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और यहाँ से फिर हम रिपीट स्टार्ट करेंगे। इस फंदे को हमें उल्टे बनाना होगा और उसके बाद ऊन पीछे की तरफ लेके जाएंगे और तीन फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन। तीन फंदे सीधा बुन लेने के बाद ऊन हम आगे की तरफ लेके आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट फंदे को बिना बुने हम उतारेंगे और इस दो फंदे को हमें सीधा बुनते हुए इस तरह से घटाना होगा। ध्यान रहे कि हम ऊन आगे ला करके इस तरह से घटाएंगे जिससे कि यहाँ पे जाली भी बन जाएगा और उसके बाद इस वाले फंदे को हमें इस तरह से नीचे की तरफ निकाल देना होगा और उसके बाद अगेन हम ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और तीन फंदे फिर हम सीधा बुनेंगे, एक दो और तीन। और फिर से हमें अब रिपीट स्टार्ट करना होगा।
तो हम ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनाएंगे, उसके बाद तीन फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन, ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और नेक्स्ट फंदे को बिना बुने हम उतारेंगे और इस दो फंदे को हमें सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा और उसके बाद इस फंदे को हमें नीचे की तरफ इस तरह से निकाल देना होगा। उसके बाद अगेन हम ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और तीन फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे, दो और तीन, और अब हम रो 9 के एंड में आ चुके हैं और लास्ट में बचे हुए दो फंदे में से एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे और एक हम सीधा बनाएंगे और रो 9 इसी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और रो 10 को हमें रो 2 के जैसे बुनते हुए रो 10 को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और रो 10 में सभी फंदे बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 11 में आ चुके हैं। रो 11 की शुरुआत के पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद नेक्स्ट फंदे से हमें रिपीट स्टार्ट करना होगा और इस फंदे को हमें सीधे बनाना होगा। उसके बाद हम ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और दो फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, एक और दो, और नेक्स्ट दो फंदे को हमें पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाना होगा और उसके बाद ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, ऊन पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अब हमें इस दो फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा और नेक्स्ट दो फंदे को फिर हम सीधे बुनेंगे। उसके बाद हम ऊन आगे की तरफ लेके आएंगे और फर्स्ट टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है। अगेन हम शुरुआत के पहले फंदे को छोड़ करके यहाँ से रिपीट स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट फंदे को फिर हमें सीधा बनाना होगा, उसके बाद अगेन ऊन आगे की तरफ और दो फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे, एक और दो, और नेक्स्ट दो फंदे को हमें पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाना होगा और ऊन आगे की तरफ और एक फंदा उल्टे बुनेंगे, ऊन पीछे की तरफ और दो फंदे हमें इस तरह से सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा और नेक्स्ट दो फंदे को फिर हम सीधा बुनेंगे, एक और दो, उसके बाद ऊन आगे की तरफ और अब हम रो 11 के एंड में आ चुके हैं और लास्ट में बचे हुए इस दो फंदे को हमें सीधा ही बना लेना होगा और रो 11 कंप्लीट हो चुका है। और अब हम रॉन्ग साइड रो 12 में आ चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रो है क्योंकि आगे हमें रो 14, 16, 18 एंड 20 में रो 12 को ही रिपीट करना होगा, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे। और पहले फंदे को हमें बिना बुने उतारना होगा और उसके बाद नेक्स्ट फंदे से हम रिपीट स्टार्ट करेंगे और पांच फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार और पाँच, पांच फंदे उल्टे बुन लेने के बाद ऊन पीछे की तरफ लेके जाएंगे और नेक्स्ट फंदे हम सीधे बुनेंगे, ऊन आगे की तरफ और चार फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन और चार, और फर्स्ट टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है। अब अगेन हम रिपीट स्टार्ट करेंगे, फिर से हमें पांच फंदे उल्टे बनाना होगा, एक दो तीन चार और पाँच, पांच फंदे उल्टे बुन लेने के बाद ऊन पीछे की तरफ लेके जाएंगे और नेक्स्ट फंदे को हमें सीधे बुनना होगा, उसके बाद ऊन आगे की तरफ और चार फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन और चार, चार फंदे उल्टे बुन लेने के बाद अब हम रो 12 के एंड में आ चुके हैं और लास्ट में बचे हुए इस दो फंदे को भी हमें उल्टे ही बुन लेना होगा और रो 12 कंप्लीट हो चुका है। रो 12 बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड रो 13 में आ चुके हैं। तो रो 13 के शुरुआत में पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद हम यहां से रिपीट स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट दो फंदे को फिर हम सीधे बुनेंगे, ऊन आगे की तरफ और एक फंदा फिर हम सीधा बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट दो फंदे को हमें पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाना होगा, उसके बाद ऊन आगे की तरफ और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट दो फंदे को हमें सीधा बुनते हुए घटाना होगा, उसके बाद फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, ऊन आगे की तरफ और एक फंदा अगेन सीधा बुन लेंगे। और फर्स्ट टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है। अब अगेन हम शुरुआत से रिपीट स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल यहाँ से इस वाले फंदे को छोड़ करके हमें यहाँ से अगेन रिपीट करना होगा, तो दो फंदे फिर हम सीधा बुनेंगे,
ऊन आगे की तरफ और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे अगेन। उसके बाद इस दो फंदे को हमें पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाना होगा और ऊन आगे की तरफ और एक फंदा फिर हम उल्टे बुनेंगे, ऊन पीछे की तरफ और नेक्स्ट दो फंदे को हमें सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा और एक फंदा फिर हम सीधा बनाएंगे, ऊन आगे की तरफ और एक फंदा फिर हम सीधा बुन लेंगे। और सेकेंड टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से हमें रो 13 के एंड तक रिपीट करना होगा और लास्ट में बचे हुए इस दो फंदे को हमें सीधा ही बुन लेना होगा। और रो 13 कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद रो 14 को हमें सेम रो 12 के जैसे बुनते हुए रो 14 को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। रो 14 बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 15 में आ चुके हैं और रो 15 के शुरुआत के पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद नेक्स्ट फंदे से हमें रिपीट स्टार्ट करना होगा और तीन फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन। उसके बाद ऊन आगे की तरफ और नेक्स्ट दो फंदे को हमें पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा। उसके बाद ऊन आगे की तरफ और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे की तरफ और दो फंदे को हमें सीधा बुनते हुए घटाना होगा। उसके बाद अगेन ऊन आगे की तरफ और दो फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, एक और दो। और फर्स्ट टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है। अब हम बिल्कुल शुरुआत के इस फंदे को छोड़ करके हमें यहाँ से रिपीट स्टार्ट करना होगा। तो अगेन हम तीन फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन, ऊन आगे की तरफ और नेक्स्ट दो फंदे को हमें पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा। उसके बाद ऊन आगे की तरफ और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, नेक्स्ट दो फंदे को हमें सीधा बुनते हुए आगे की तरफ से घटाना होगा, ऊन आगे की तरफ और नेक्स्ट दो फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे। और अब हम रो 15 के एंड में आ चुके हैं और यहाँ पे दो फंदे बच गए, तो इस दो फंदे को भी हमें सीधे ही बुन लेना होगा। और रो 15 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट रो 16 को हमें रो 12 के जैसे बुनते हुए रो 16 को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और रो 16 बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 17 में आ चुके हैं। रो 17 के शुरुआत के पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद हम यहां से रिपीट स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट फंदे को हमें सीधा बुनना होगा। उसके बाद इस दो फंदे को हमें आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा, उन आगे की तरफ और नेक्स्ट दो फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे, एक और दो। उसके बाद अगेन उन आगे की तरफ और एक फंदा हम उल्टे बुनेंगे, ऊन पीछे की तरफ और नेक्स्ट दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक और दो। ऊन आगे की तरफ और दो फंदे को हमें पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाना होगा। और फर्स्ट टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है। अब अगेन शुरुआत के इस फंदे को छोड़ करके हमें यहाँ से ही रिपीट स्टार्ट करना होगा और आगे हम रो 17 के एंड तक इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। तो नेक्स्ट एक फंदा फिर हम सीधा बुनेंगे और इस दो फंदे को हमें सीधा बुनते हुए इस तरह से घटा लेना होगा, ऊन आगे की तरफ और दो फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे, एक और दो। ऊन आगे की तरफ और एक फंदा उल्टा बनाएंगे और नेक्स्ट दो फंदे को फिर हम सीधे बुनेंगे, एक और दो। ऊन आगे की तरफ और इस दो फंदे को हमें पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा। और अब हम रो 17 के एंड में आ चुके हैं। लास्ट में बचे हुए इस दो फंदे को भी हमें सीधे ही बुन लेना होगा। और रो 17 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट रो 18 को हमें रो 12 के जैसे बुनते हुए रो 18 को भी कंप्लीट कर लेना होगा। और रो 18 बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड रो 19 में आ चुके हैं और रो 19 के शुरुआत में हमें फंदे बढ़ाना होगा। तो यहाँ से कोई भी एक फंदा हम इस तरह से उठा लेंगे और इसे हमें सीधा बुनना होगा और उसके बाद नेक्स्ट फंदे से हम रिपीट स्टार्ट करेंगे। इस वाले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और इस दो फंदे को हमें सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा और इसे हम नीचे की तरफ इस तरह से निकाल देंगे। उसके बाद ऊन आगे की तरफ और तीन फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन। उसके बाद नेक्स्ट फंदे हमें उल्टे बुनना होगा, ऊन पीछे की तरफ। उसके बाद अब हम तीन फंदे फिर सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन, ऊन आगे की तरफ। और अब हमें फिर से रिपीट स्टार्ट करना होगा।
यानी शुरुआत के इस फंदे को छोड़कर, यानी जो फंदा बढ़ाया गया था उसके बाद से हम रिपीट स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट फंदे को फिर हम उतार लेंगे और इस दो फंदे को हमें सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा और इसे हम नीचे की तरफ इस तरह से लेके आएंगे ऊन आगे की तरफ और तीन फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन। नेक्स्ट फंदे फिर हम उल्टे बुनेंगे ऊन पीछे की तरफ और तीन फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन ऊन आगे की तरफ। और अब हम रो 19 के एंड में आ चुके हैं और लास्ट में बचे हुए तीन फंदे में से हमें दो फंदे घटा लेना होगा, उसके बाद इस फंदे को हमें सीधा बना लेना होगा। और रो 19 कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट रो 20 को हम रो 12 के जैसे बुनते हुए रो 20 को भी कंप्लीट कर लेंगे। और रो 1 to 20 बुन लेने के बाद ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और इसे कंटिन्यू बनाने के लिए हमें फिर से रो 1 to 20 रिपीट करना होगा और ये डिज़ाइन इसी तरह से आगे बनते जाएगा। ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।